जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द एक्सेलेंट एकेडमी में। आज थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा, थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट विशेष, आपका चार्ट और ग्राफ और टेबल से संबंधित क्वेश्चनों को हम करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा सिलेबस को 10 नंबर का आपका ग्राफ और 10 नंबर का आपका टेबल पूछा। मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है, ग्राफ, टेबल और आपका अरिथमेटिक। तो यहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। ग्राफ में और टेबल में खासा स्टूडेंटों को दिक्कत होती है, तो उन दिक्कतों पर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जितने भी लोग जुड़ गए हैं सभी लोग वीडियो को आगे शेयर करें, और जो भी आपके साथी एक बार आ चुके हैं और दोबारा जो है उनको जोड़ने के लिए आप लोग जो है लिंक को आगे शेयर कर दीजिए। तो चलिए शेयर करते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए आपके सामने एक ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ मैंने पहले ही बना लिया था। ग्राफ कंपनी एक्स का है, कंपनी जेड का है और कंपनी वाई का है। ये कंपनी का ग्राफ है, उतार चढ़ाव आपको दिख रहा होगा और 2003 से लेके 2009 तक का डाटा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ज़रा ये दरवाज़ा बंद कर दीजिए, आवाज़ ना आने का। 2003 से लेकर 2009 तक का डाटा दिया गया है और ये यहाँ पर निर्यात के बारे में दिया गया है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये कंपनी का निर्यात है और ये निर्यात करोड़ों में है। कितने में है? करोड़ों में है। ठीक है, निर्यात है कंपनी का, करोड़ों में है, 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, ये आपका 150 करोड़ तक का डाटा दिया गया है। ठीक है, कंपनी एक्स त्रिभुज से मैंने दर्शाया है, आप देखिए जहाँ जहाँ त्रिभुज आपको मिलेगा कंपनी एक्स का डाटा है। कंपनी जेड को मैंने यहाँ पर फुल स्टॉप से दर्शाया हुआ है और कंपनी वाई को मैंने जो है आपको ये देखिए ये चतुर्भुज आकृति से मैंने दर्शाया हुआ है कंपनी वाई को। तो ये आपको डाटा दिया हुआ है और आपसे मैं आपको पेट के बारे में बात करूं तो 10 नंबर का क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर का क्वेश्चन होगा, टेबल से पूछेगा और 10 नंबर आपका ग्राफ से पूछेगा। 10 क्वेश्चन होंगे, आपको 2 टेबल और 2 ग्राफ आपको दिए जाएंगे। ठीक है, एक टेबल में 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए इस टेबल में भी 5 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है आप सभी लोग जुड़ गए हैं, कमेंट्स शुरू कर सकते हैं आप लोग, कमेंट्स आप लोगों के लाइव हैं। थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग अंश यादव। ज़्यादा मैथ्स में क्या पढ़ जाते हैं भाई? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग विकास गुप्ता, विकास ने गुड मॉर्निंग कहा है। तो चलिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो क्वेश्चन है, सबसे पहले प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में से वर्षों के किस युग्म के लिए, निम्न में से वर्षों के किस युग्म के लिए निम्न में से वर्षों के किस युग्म किस युग्म के लिए तीनों कंपनियों का कुल निर्यात समान है? ठीक है, चलिए आपको बताना है यहाँ पर कि ये जो कंपनियों का निर्यात दिया गया है उस निर्यात में निम्न में से वर्षों के किस युग्म के लिए तीनों कंपनियों का कुल निर्यात समान है। आपको युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, और आपको हर जोड़े के वर्षों के जोड़े में पकड़ना है कि कौन सा ऐसे वर्षों का जोड़ा है जिसमें कंपनियों का जो निर्यात है वो समान है, आपको यहाँ पर ये बताना है। चलिए शुरू करते हैं, तो मैं आपको ऑप्शंस भी यहां पे दे देता हूं। ऑप्शन ए है 2005,
और 2008, इन्हीं ऑप्शनों में से आपको आंसर देना है। ठीक है, आप लोग डाटा तुरंत निकाल लीजिए, आपके पास समय है जब तक मैं कमेंट से यहाँ पे लिख रहा हूँ। 2006 और 2008, ऑप्शन सी आपका है 2007 और 2008, और ऑप्शन डी यहाँ पे आपको लिखना है 2005 और 2006। तो यहां से आपको आंसरिंग करना है। बताइए निम्न में से कौन सा जोड़ा है जिसमें जो कंपनियों का निर्यात है वो इक्वल है, बिल्कुल समान है, यहां पर आपको बताना है। जल्दी से बताएं, जय हिंद सभी लोगों को। आइए यहां पर थोड़ा सा हम फाइंड कर लेते हैं। देखिए सबसे में चेक कर लेते हैं, ठीक है, 2003 में चेक कर लेते हैं तीनों कंपनियों का डाटा। 2003 में तीनों कंपनियों का डाटा लेंगे तो देखो भाई, एक 30 है, एक 60 है और एक आपका 80 है। 30, 60 और 80, ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर अलग अलग कंपनियों को निकालना शुरू किया, जबकि बाद प्रश्न में जो पूछा है वो ये पूछा है कि किस वर्ष में, किस वर्ष के किस युग के लिए तीनों कंपनियों का कुल निर्यात समान होगा। ठीक है, मतलब अलग अलग वर्षों का तीनों कंपनियों का निर्यात निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालते हैं, ये आपका 140, 140, 30, 170 हो जाएगा। जल्दी जल्दी निकालिए आप लोग, 2004 का, 2004 का देखते हैं। देखो ये आपका हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 60, ठीक है, 40, 60, 100 और 9, 150, ये आपका कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा, सॉरी 40, 60, 100 और 90, 190 हो जाएगा। ठीक है, 2005 का देख लेते हैं, 2005 का देख लेते हैं, 2005 में कितना होगा, ये देखिए 40 है, ये आपका 70 है, ठीक है, 110 और 110 में 120 जोड़ देंगे, आपका 230 हो जाएगा। ठीक है, 230 हो जाएगा। 2006 का भी देख लेते हैं, 2006 का भी देख लीजिए, 2006 में ये आपका है, ठीक है, ये है आपका, और यहीं पर देखिए ये दोनों को यहाँ से ये लाइन मिलाती है, तो इसका मतलब ये दो चीज़ें एक साथ हैं। ठीक है, तो ये आपका किस पे है, 70 पे है, 70, 70, 140, 140, 90 कितना हो जाएगा आपका, 230, तो 230, ये देखिए 2005, 2006 का जो निर्यात है वो समान दिख रहा है, 2005 और 2006 ऑप्शन डी है। हर्षित शुक्ला ने यहाँ पर जो आंसर किया था वो उत्तर गलत है। ठीक है, तो आपका जो सही उत्तर होगा वो यहाँ पर क्या होगा, 230 होगा। ठीक है, तो 230 यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। हमें यही मिलान करना था कि इन सभी कंपनियों का जो निर्यात है ऐसा कौन सा ईयर होगा जिस ईयर में वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो 2005 और 2006 का जो युग्म है यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखिए ऐसे प्रश्नों में ऐसा नहीं है कि आपको कैलकुलेशन नहीं आती है, ऐसा नहीं है कि आपको मैथमेटिक्स नहीं आती है, आपको औसत नहीं आता है, आपको परसेंटेज नहीं आता है, यहाँ पर कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। ऐसे प्रश्नों में डाटा को बराबर ध्यान में देखा जाता है और उसी हिसाब से आपको वहाँ पर आंसरिंग करनी होती है। अगर आप उसमें ध्यान नहीं लगा पाएंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर उत्तर आप गलत कर देंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि दिए गए वर्षों के दौरान, क्वेश्चन नंबर टू की ओर चलते हैं, दिए गए वर्षों के दौरान, दिए गए वर्षों के दौरान कंपनी वाई का, कंपनी वाई का औसत वार्षिक निर्यात, औसत वार्षिक निर्यात कंपनी जेड के, कंपनी जेड के औसत वार्षिक निर्यात का, बड़ा बढ़िया प्रश्न है, यहां पर तुलनात्मक प्रश्न देखिए दिया है, कंपनी जेड के औसत वार्षिक निर्यात के लगभग
कितना प्रतिशत है। प्रश्न को फिर से देख लीजिए, प्रश्न में कह रहा है कि दिए गए वर्षों के दौरान, दिए गए ये जो भी आपको वर्ष दिए गए हैं 2003 से लेके 2009 तक का जो वर्ष दिया गया है, वाई का औसत वार्षिक निरा, देखिए मैंने कहा ना यहाँ पर औसत की भी जरूरत पड़ गई आपको, अगर औसत नहीं आता है तो आप पूरा डाटा निकाल करके जब तक उसका औसत नहीं निकालेंगे कैसे इस प्रश्न को कर पाएंगे। तो दिए गए वर्षों के वाई का जो औसत वार्षिक निर्यात है, कंपनी जेड के औसत वार्षिक निर्यात, मतलब कंपनी जेड का भी जो औसत वार्षिक निर्यात है उस निर्यात का लगभग कितना प्रतिशत है, यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए एक साथ औसत भी आपको आना चाहिए और प्रतिशत भी आपको आना चाहिए, तो औसत और प्रतिशत इन दोनों से संबंधित ये यहाँ पर प्रश्न है, ठीक है, को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है। यहाँ तक कि मैं तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की जैसे ही परीक्षा देंगे उस परीक्षा में अगर आप सबसे पहले किसी क्वेश्चन को करेंगे तो इसी क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि 10-10-20 नंबर के क्वेश्चन आपके तुरंत आपके रेडी हो जाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों पर आप जल्दी ध्यान दीजिएगा, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा, कमेंट्स में आप लोगों का देख रहा हूँ। जल्दी से बताएं आंसर क्या होगा। देखिए भाई, दिए गए वर्षों के दौरान कंपनी वाई का औसत निर्यात, कंपनी वाई को हमने किससे डिनोट किया है भैया, हमने डिनोट किया है चतुर्भुज से, ठीक है। तो आइए कंपनी वाई का निर्यात निकालते हैं, कंपनी वाई का जो निर्यात है आपको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2003 से स्टार्ट करते हैं भैया, ये 80 चलिए लिखते चलते हैं, 80 हो गया आपका, 80 के बाद ये आपका 40 हो गया, ठीक है, 80 के बाद आपका 40, ठीक है। फिर तीसरे साल आपका पहुंच जाता है, कहाँ पे पहुंच जाता है भैया, 70 पे पहुंच जाता है, ठीक है। अब फिर से सीधी लाइन गई है, इस त्रिभुज में जा करके मिला है, फिर से इसका मतलब 70 ही होगा। उसके बाद भैया देखो उठा है, उठ करके कहाँ पहुँच गया है आपका, 80 पे पहुँच गया है, क्या बात है, 80 पे पहुँच गया है, और 80 के बाद ये सीधा भाग गया है 100 पे, और 100 के बाद भाग गया है 140 पे, तो ये आपका 100 + 140, चलिए सबको जोड़ते हैं, 140 100 240 और 240 में आपका 80 जुड़ेगा तो हो जाएगा 320, 320 में आपका 70 जुड़ेगा तो 390, 390 में 70 जुड़ेगा 460, 460 में 40 जुड़ेगा 500, और ये हो जाएगा आपका 580। मतलब 580 जो है ये कुल निर्यात है, हमें औसत निर्यात निकालना पड़ेगा। औसत निर्यात का मतलब 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल, तो 580 बटे में 7 आपको करेंगे तो आपका औसत निर्यात निकलेगा। काट लेते हैं, 7 8 56, ठीक है, 7 8 56 होगा, और आपका यहाँ पर 2 बचेगा, 7 2 14, ठीक है, और 7 मतलब 82.8 के आसपास आपका ये औसत निर्यात आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर कंपनी जेड का ही पूछा है ना, बिल्कुल कंपनी जेड का निर्यात निकालेंगे, तो कंपनी जेड का निर्यात निकालें, कंपनी जेड को हमने फुल स्टॉप से डिनोट किया हुआ है, आइए निकालते हैं। देखिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 60, ठीक है, 60 के बाद 90 के बाद यहाँ पर आपका 120 के बाद यहाँ पर आपका फिर 90, ध्यान दीजिए 90 के बाद यहाँ पर आएंगे फिर से 60, और 60 के बाद यहाँ पर आएंगे तो आपका 80, और 80 के बाद फिर से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये आपका 90 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका पूरा डाटा है, देख लीजिए 2 3 4 5 6 7 7 साल का डाटा है, ठीक है। 170 में 60 जोड़ेंगे तो आपका 230 में आपका 90 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 320 में 120 जोड़ेंगे तो ये आपका 440 हो जाएगा, 440 में आपका 90 जोड़ेंगे तो 530, और 530 में 60 जोड़ेंगे अगर तो आपका 590 हो जाएगा, 590 फिर से 7 से भाग दे दीजिए, 7 8 56 हो जाएगा, 7 8 56, और उसके बाद आपका क्या करेंगे आप, 3 7 4 28, ठीक है, 7 2 14 मतलब 84.2 के आसपास यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो देखिए ये बटे 7, ये भी बटे 7 है, तो आप पूछ क्या रहा है औसत वार्षिक निर्यात के लगभग कितना प्रतिशत है, किसका, जेड के, ठीक है, जेड के, तो जेड के पूछ रहा है, तो देखिए आपका 10 का अंतर आ रहा है दोनों में, अगर देखा जाए, देखिए ये 580 था, ये 590 था, अगर हम इसको डायरेक्ट औसत न निकाल करके भी निकालते तो भी हमारा काम यहाँ पर बन जाता, ठीक है, लेकिन अगर हम निकाले ही हैं
तो आइए थोड़ा सा कर लेते हैं। 82.82.2 में हम 82.8 को घटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 0, 0, 12 में से 8 जाएगा 4, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 3, 3 में से 2 जाएगा 1, मतलब 1.40, तो 1.40 अपॉन क्या है 84.2 into 100, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1400 बटे में लगभग 84, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट में ही ऐसे आंसर्स आते हैं और आपको हमेशा इसके लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है। तो आइए करते हैं, जरा सा इसको ब्लॉक मारो, रिफ्रेश करके खोलो, ब्लॉक मारो, ठीक है। तो 1400 बटे में 84 आपको करना है, 1400 बटे में 84 को आप क्या करेंगे, आप इसको काट सकते हैं, ठीक है। 14 को ही अगर काटे तो 14 ये 100 हो जाएगा, 14 × 84, ठीक है। तो 100 बटे में 6, और 100 बटे में 6 का मतलब क्या होता है, ये आपका 50 बटे में 3, और 50 बटे में 3 का मतलब होता है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, ठीक है। तो ये 16 सही 2/3% यहाँ पर उत्तर कम होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। इसका जो आंसर आया है वो कितना आया है, 16 सही 2/3%। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि किस वर्ष कंपनी एक्स और वाई से, किस वर्ष कंपनी एक्स और वाई से निर्यात के बीच अंतर न्यूनतम था, ये आपको बताना है। बड़ा बढ़िया प्रश्न है कि किस वर्ष कंपनी एक्स और वाई, एक्स का डाटा आपको त्रिभुज से दिया गया है और वाई का डाटा आपको चतुर्भुज से दिया गया है। यहां आपको बताना है कि किस वर्ष कंपनी एक्स और वाई का जो अंतर था वो बिल्कुल ही क्या था, बीच का अंतर न्यूनतम था। न्यूनतम का मतलब 0 हो 1 हो 2 हो, सबसे कम हो, सबसे कम जो है अंतर आपको यहां पर फाइंड करना है। चलिए जल्दी बताइए। जल्दी से बताइए आंसर इसका क्या होगा। हर्ष शुक्ला का उत्तर यहां पर 2007 और 2008 आया है, 2007 और 2008 आया है। और लोग बताइए, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। ध्यान दीजिए, यहां पर कंपनी एक्स और वाई के निर्यात की बीच की बात चल रही है और आपको ये बताना है कि एक्स और वाई का जो निर्यात होगा वो किस वर्ष में बिल्कुल ही न्यूनतम होगा, ठीक है। ग्राफ को देखिए और ग्राफ को देख करके ही आंसर बताइए, क्योंकि आपका पेट तभी होगा सेट जब आप ग्राफ और तालिका वाले जो प्रश्न हैं उस पर आप विजय प्राप्त कर लेते हो, ठीक है। ये आपका इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है, या तो ये आपके पांचों नंबर दे करके जाएगा या पांचों नंबर लेकर के जाएगा, तो इस वजह से आपको इस पे अच्छी खासी मेहनत यहां पर करनी होगी, ठीक है। जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा इसका।
जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा इसका। देखिए यहां पर मैं आपको बताता हूं आंसर क्या होगा। देखिए आपको X और Y कंपनी का क्या करना है, X और Y के निर्यात बताना है। X को यहाँ पे डिनोट किया गया है त्रिभुज से, ठीक है, और Y को डिनोट किया गया है यहाँ पर आपका चतुर्भुज से, ठीक है। Y को जो डिनोट किया गया है वो आपका चतुर्भुज से किया गया है। तो ये देखिए ये आपके निर्यात हो रहे हैं भाई, ये 2003 में निर्यात 30 करता है, 2004 में आपका यहाँ बढ़ के 60 हो जाता है, 2005 में फिर घट जाता है। ये आपके निर्यात का ही जो डाटा दिया गया है। अच्छा कंपनी वाई की भी अगर हम बात करें तो कंपनी वाई को देखिए आप किससे चतुर्भुज से डेनोट किए हो, तो ये 80 है, ठीक है। अलग अलग सालों में अलग अलग डाटा यहाँ पर बिल्कुल आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि कंपनी एक्स और वाई सबसे कम निर्यात कब करते हैं, सबसे इनके बीच का जो अंतर है वो सबसे कम कब होता है। तो यार यहाँ पे देखो ये 2006 वाला डाटा है, ये देखो ये जो 2006 वाला डाटा है, ठीक है, त्रिभुज के अंदर ही मैंने यहाँ पर चतुर्भुज बना दिया, देखो ये लाइन एकदम सेम आई हुई है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2006 का साल है, ठीक है, उसमें जितना निर्यात जो है आपकी कंपनी एक्स करती है उतनी ही निर्यात आपकी कंपनी वाई करती है। इन दोनों के बीच में कोई अंतर है ही नहीं, दोनों सेम निर्यात करते हैं। तो सबसे कम निर्यात के बारे में यहाँ पर न्यूनतम पूछा था, तो जो न्यूनतम निर्यात होगा इन दोनों के बीच में वो बिल्कुल आपका 2006 आंसर सही होगा। तो ये दो लोगों का आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही आया था, ठीक है। तो 2006 यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए तीन क्वेश्चंस आप लोग निपटा चुके हैं, तीन क्वेश्चन आप लोग निपटा चुके हैं, चौथे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, निपटा चुके हैं चौथे क्वेश्चंस की ओर हम लोग चलते हैं। वर्ष 2003 में तीनों कंपनियों के औसत निर्यात, क्वेश्चन नंबर चार क्या कह रहा है कि वर्ष 2003 में, 2003 के ऊपर तुरंत आपका निकल जाना चाहिए और तीनों कंपनियों का निर्यात, वर्ष 2003 में तीनों कंपनियों का निर्यात क्या कह रहा है, कंपनी जेड के औसत वार्षिक, कंपनी जेड के औसत वार्षिक निर्यात का लगभग, निर्यात का लगभग कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। बढ़िया प्रश्न है, कह रहा है कि वर्ष 2003 में तीनों कंपनियों का जो निर्यात है कंपनी जेड के वार्षिक, कंपनी जेड के औसत वार्षिक निर्यात का लगभग कितने प्रतिशत है, मतलब कंपनी जेड का आपको पूरा निर्यात निकाल लेना है और 2003 में तीनों कंपनियों का निर्यात निकाल लेना है, उसके बाद आपको प्रतिशत निकालना है कि लगभग कितना प्रतिशत है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल अभय जी आप समझ रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह भी है कि द एक्सेलेंट एकेडमी एक प्रयास कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंटों को कैसे सिलेक्शन दिलाया जाए, इसके लिए सारे हथकंडे वो अपना रहा है ऑफलाइन ऑनलाइन इन दोनों माध्यमों में। तो ये आइए देख लेते हैं क्या इसका आंसर होगा। देखिए वर्ष 2003 में तीनों कंपनियों का जो निर्यात होगा, वर्ष 2003 ये ठीक है, आपका पहला 30 मिलेगा। 2003 में तीनों कंपनियों का निर्यात, ये मैंने काफ़ी जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन को उठा लिया है, ठीक है, मुझे सरल प्रश्नों को उठा करके चलना था, लेकिन बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं उसके बावजूद। 2003 में तीनों कंपनियों का जो निर्यात है, पहले मैं ये डाटा यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये देखिए आपका जो डाटा है, पहला क्या है 30 है, दूसरे का डाटा आपका 60 है और तीसरे का डाटा आपका 80 है, ठीक है। तो ये आप अगर करेंगे तो 170 हो जाएगा, और औसत की बात करेंगे तो बटे तीन कर दीजिए क्योंकि तीन कंपनियां फाइट में हैं। चलिए अब क्या कह रहा है, कंपनी जेड के औसत वार्षिक निर्यात, कंपनी जेड कौन सी है भाई, कंपनी जेड है जो आपका फुल स्टॉप है। तो फुल स्टॉप वाले को सबको जोड़ो, 60 90 आपका हो जाएगा 150, 150 में 120 जोड़ेंगे हो जाएगा 270, 270 में फिर से यहाँ पे आएंगे 90 जोड़ेंगे हो जाएगा 360, 360 के बाद यहाँ पे आप करेंगे 420,
420 के बाद ये 80 इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 500, अब 500 के बाद यहाँ 90 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 590, ठीक है, ये आपका 590 हो जाएगा। और 590 बटे में कुल कितने साल हैं, सात हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्योंकि औसत पूछा है तो 590 बटे में 7 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको 590 बटे 7 का x प्रतिशत निकालना है 170 बटे में 3, ठीक है। आइए आइए निकालते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, काट ही लेते हैं, 7×8 56, ठीक है, और ये 84.8 के आसपास आया था क्या, 7×4=28, 84.2 के आसपास आया था, ठीक है। 84.2 का x प्रतिशत बराबर 170 बटे में 3 है, 84.2 का x प्रतिशत बराबर 170 बटे में आपका कितना है, 3 है। चलिए ये आपका देखो 17×5=85, ये लगभग आपका 5 के आसपास आएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 100 बटे में 15, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में निकाल रहा हूँ, 5×3=15, और 5×2=100, तो 20/3, और 20/3 का मतलब कितना होता है आपका 6 2/3%, मतलब 6-7% के आसपास जो आंसर होगा वही उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आइए देख लेते हैं क्या इसका ऑप्शन है, इस प्रश्न का जो ऑप्शन है बिल्कुल वो आपका जो ऑप्शन है वो आपका 7% ऑप्शन दिया गया है, तो 6 2/3 यहां पर आंसर आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली जो 7 यहां पर आंसर होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा, तो 7% इज अ करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। वर्ष 2003 में तीनों कंपनियों का औसत निर्यात, देखिए फिर से उसी प्रकार से प्रश्न पूछा गया है कि वर्ष 2003 में तीनों कंपनियों का औसत निर्यात वर्ष 2008 में तीनों कंपनियों के औसत निर्यात के बीच का अंतर, बहुत बढ़िया प्रश्न है और मुझे लगता है कि ये प्रश्न आप लोग कर ले जाएंगे, जल्दी से बताएं तीनों कंपनियों का जो औसत निर्यात है वर्ष 2003 का और तीनों कंपनियों का जो औसत निर्यात है वर्ष 2008 का, उनके बीच का अंतर यहां पर पूछा गया है, जल्दी से कमेंट करिए, यहां पर चेंज होता दिख रहा है। आइए देखते हैं भैया 2003 मतलब आपका 2003 में तीनों का डाटा लेते हैं, आपका मिलेगा 30, आपका मिलेगा 60 और आपका मिलेगा यहाँ पर 80, ठीक है, तो यहाँ पर 170 बटे में 3 ये आपका एवरेज निर्यात हो गया। चलिए 2008 का भी देख लेते हैं, 2008 कहाँ है भाई, 2008 यहाँ है, ये देखो ये आपका 50, ये आपका 80 और ये आपका 100, बिल्कुल 50, 80 और आपका 100, ठीक है, 50, 80 और 100, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 180 और 180 और 50 कितना हो जाएगा, 230, तो 230 बटे में 3, तीन दोनों के बीच का अंतर पूछा है, तो 230 बटे में 3 माइनस 170 बटे में 3, एलसीएम तो 3 ही हो जाएगा, 230 में से 170 घटाओ, ठीक है, 0, 13 में से 7 गया 6, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 60/3, 3×60, तो 20 जितने लोगों का उत्तर आया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है, 20 वालों का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही है, विकास गुप्ता और राहुल इन दोनों लोगों का आंसर 53.4 आया था, ये तो बिल्कुल क्या करना था यार, 2008 का डाटा निकाल लेते, 2003 का डाटा निकाल लेते तीनों कंपनियों का और इनको माइनस ही तो करना था, ठीक है, उनको माइनस ही तो करना था, बिल्कुल सही उत्तर आया है। अच्छा यहाँ पर जो है वो विभिन्न मदों के व्यय का प्रतिशत आपको दिया गया है, ये आपको बना दिया गया है 360 डिग्री का गोला, बीस से डिवाइड कर दिया गया,
ये आपका जो बोला है ये बचत का है, ये शिक्षा का है, इसमें भोजन करेंगे, इसमें किराया देंगे, कपड़े उपड़े पहनने के शौकीन हैं तो ये है, ये आपका परिवहन और यहाँ पर आपका अन्य खर्चा, ठीक है, ये आपका बनाया गया है। अब चलिए मैं इसको परसेंटेज में भी लिख देता हूँ, बचत 18%, शिक्षा 15%, भोजन 20%, किराया 15%, कपड़े 5%, परिवहन 10% और अन्य पे 17% खर्चा। देखिए ये आपको डाटा दे दिया गया, ठीक है, आपको क्लियर है। व्यक्ति की कुल आय भी यहां पर मैं लिख देता हूं, व्यक्ति की, ये प्रश्न आप लोग खूब करेंगे, कायदे से करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। व्यक्ति की कुल आय है आपका 16,000 रुपया, ठीक है, देखिए 16,000 रुपया लड़का कमाता है, ये आदमी कमाता है, 16,000 में बचत करता है 18%, शिक्षा पर खर्च करता है 15%, भोजन पर 20%, किराया पर 15%, कपड़े पर 5%, परिवहन पर 10% और अन्य पर खर्चा करता है 17%। ये आपके सामने डाटा है, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं आपके सामने बारी बारी से 5 प्रश्न रखने वाला हूं। मैंने कहा ना, अगर मैंने पहला जो है इस तरीके का प्रश्न दिया होता तो आप लोगों को बड़ा ही मजा आ जाता, लेकिन मुझे छटनी करनी थी बदमाशों की, ठीक है, तो छटनी करनी थी, इस वजह से जो पढ़ने लिखने वाला लड़का होगा वो तो लास्ट तक मेरे साथ बना ही रहेगा, इस वजह से यहाँ पर आपको मैंने ऐसे प्रश्नों को रोक करके रखा था कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए फिर आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न, जो पहला प्रश्न है हमारा वो क्या है कि व्यक्ति की मासिक बचत बताइए, व्यक्ति की मासिक बचत बताएं। जो पहला प्रश्न है आपका यही है कि व्यक्ति का मासिक बचत बताएं, ठीक है, जल्दी से बताएं। ये आपको जो दिया गया है ये भी आपका मासिक ही है, जो आय दी गई है वो आपका मासिक ही है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। मासिक बचत रुपए में बताना है रागनी, आपको मासिक बचत आपको रुपए में बताना है, ऐसे परसेंटेज में बताएंगे तो सीधा पता है सबको कि बचत 18% है, बचत 18% है, ये थोड़ी ना बताना है आपको। हिमांशु 1280 कह रहे हैं, हर्षित भी 2880 आंसर बता रहे हैं, ये देख लेते हैं भैया आय कितनी, आय है 16,000, ठीक है, 16,000 में से बचत कितनी, तो बचत है 18%, देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है, तो 16,000 का 18% ही तो आपको निकालना है, E00 से E00 कट गया तो बचा क्या, 160 गुणे में 18, जीरो लिख लीजिए, 16 + 128, 12 हासिल, 16 × 16 = 16 में 12 आप जोड़ेंगे आपको 28 मिलेगा, तो 2,880 रुपया जो है वो हर महीने बचा लेता है, कितना बढ़िया आंसर आप लोगों ने दिया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, पहला प्रश्न वेरी इजली यहाँ पर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है, चलिए चलिए आइए दूसरा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ऊपर किया गया व्यक्ति द्वारा, थोड़ा सा तुलनात्मक प्रश्न है ये, कपड़ों पर किया गया व्यय, परिवहन पर किए गए व्यय से कितना कम है, कितना कम है, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा गया है। आपको बताना है कि व्यक्ति के द्वारा कपड़ों पर जो व्यय किया गया है, कपड़े ढूंढिए 5% किया गया व्यय, परिवहन ढूंढिए 10% पर किए गए व्यय से कितना कम है, जल्दी से बताइए कितना कम है। इधर देखो, परिवहन पे कितना 10%, कपड़े पर कितना 5%, अंतर निकालो,
अंतर निकालो 10 में से 5 गया 5%, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो खर्चों का अंतर है वो 5% है। तो 16,000 का 5% नहीं निकाल सकते हो, 16,000 का भाई अंतर ही तो निकालना है ना, 00 से 00 काटो, ठीक है, 160 गुणे में 5, 0 16 5 80, मतलब 800 रुपया। जितने भी लोगों ने आंसर बताया है वो धन्यवाद के पात्र हैं, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने आंसर 800 दिया है, बिल्कुल धन्यवाद के पात्र हैं। बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करनी है आपको, किसने कहा है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, जल्दीबाजी से देर भली, ठीक है। तो आप देर से आंसर दीजिए और बढ़िया आंसरिंग कीजिए, आपको बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। व्यक्ति द्वारा किराए व्यक्ति के द्वारा किराए व शिक्षा पर किए गए व शिक्षा पर किए गए सम्मिलित व्यय तथा सम्मिलित व्यय तथा परिवहन व भोजन पर, ये प्रश्न थोड़ा सा बढ़िया बनेगा, परिवहन तथा भोजन पर किए गए सम्मिलित व्यय में अनुपात बताएं, ठीक है। व्यक्ति द्वारा, ध्यान दीजिए, व्यक्ति द्वारा किराए व शिक्षा पर, किराया भैया यहां, शिक्षा कहां, यहां, किराए व शिक्षा पर किए गए सम्मिलित व्यय, मतलब किराए का खर्चा शिक्षा का खर्चा मिला लो, जोड़ लो, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, परिवहन और भोजन, परिवहन कहां, यहां, भोजन कहां, यहां, इनको भी जोड़ लो, सम्मिलित कर लो, ठीक है। उसके बाद आप इन दोनों का अनुपात बताइए, काफी सरल प्रश्न की श्रेणी में इसे भी रखा गया है, ठीक है। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। हिमांशु कह रहे हैं कि भोजन से निकाल दिए थे सर। नहीं नहीं नहीं, आपको देखिए सम्मिलित खर्चे का बताना है, ठीक है। अलग अलग निकालेंगे तो उत्तर गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। बिल्कुल वो यही चाहता भी है कि आप जो है क्या करें, इसी प्रकार की चीज करें। हिमांशु भैया देखो, किराया सम्मिलित बात कर रहा है ना, किराया प्लस शिक्षा कितना, ये 15% शिक्षा, ठीक है। चलो इनका सम्मिलित निकालो, किराया भैया कितना है, किराया आपका है 15%, शिक्षा कितना है 15%, बराबर कितना हुआ 30%। ये पहला सम्मिलित व्यय। दूसरा सम्मिलित व्यय निकालते हैं, दूसरा सम्मिलित व्यय भोजन, परिवहन 10%, ठीक है। आपका क्या हो गया, परिवहन प्लस आपका क्या हो गया, भोजन, ये आपका 10% है, यहाँ देख लो, और भोजन पर कितना है 20% है, ये भी मिला लो, कितना हो गया 30%। दोनों का अनुपात पूछ रहा है, 30% अनुपाते 30% कट गया, तो 1:1 जितने भी लोगों ने आंसर किया है उनका उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्या बात है, रागनी यादव का भी उत्तर आ गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मतलब मैं तीन प्रश्नों पे ही इसको रुक रहा हूँ, मैं थोड़ा सा डिग्री वाले क्वेश्चंस कराना चाहता हूँ। देखिए ये जो परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज के अलावा चूंकि टाइम का अपने पास अभाव है, मुझे लग गया है कि तीन क्वेश्चनों का उत्तर इतने जोरदार तरीके से आप लोगों ने दिया है कि बाकी के भी दो प्रश्नों का उत्तर आप जोरदार तरीके से देते, समय का अभाव है, मैं तीन क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, आपको डिग्री वाले जो अंश वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, मैं उसको करा देता हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं ऐसे प्रश्नों को भी। जो ग्राफ है वो कह रहा है कि एक स्कूल के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत
स्कूल की निधियों के खर्च का विवरण चलिए आपके सामने मैं यहाँ पर फिर से ग्राफ बना रहा हूँ। इसी के आधार पे आपको आंसरिंग यहाँ पर करनी है। देखिए ये आपका खेल कूद है, ये आपका पुस्तकालय है, ठीक है। देखिए जो गोला होता है ना, ये 360 डिग्री का होता है, ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। ये आपका विविध ही है, विविध ही मतलब कई प्रकार की चीजें, विज्ञान है ये, और ये आपका कला व शिल्प है। क्या है? कला व शिल्प। चलिए मैं आपको यहाँ पर जो है अंश भी बता देता हूँ। जो खेल कूद का अंश है ये 120 अंश है। कितना है? 120 अंश, ठीक है। जो पुस्तकालय का अंश है वो आपका 60 अंश है। कितना अंश है? 60 अंश है, ठीक है। जो विविध का अंश है वो आपका 30 अंश है। कितना है? 30 अंश, ठीक है। जो विज्ञान का है वो आपका यहाँ पर फिर से 60 है। कितना है? 60 डिग्री है। जो आपका ये कला व शिल्प बना रहा है ये आपका कितना बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है? 90 डिग्री यहाँ पर बना रहा है, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे इससे रिलेटेड प्रश्न को पूछता हूँ, ठीक है। आपसे मैं यहाँ पर आपसे इससे रिलेटेड प्रश्न को पूछता हूँ। जो पहला प्रश्न है, ठीक है, जो पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, आंसर करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। खेल कूद व कला, खेल कूद और कला व शिल्प, कला व शिल्प, ठीक है, कला व शिल्प के खर्च का अनुपात, आपको बताना है। बड़ा बढ़िया प्रश्न है, आप जल्दी से बताइए। ये आपके सामने जो डाटा दिया गया है उस डाटा के आधार पे खेल कूद और कला व शिल्प के खर्च का जो अनुपात है यहां पर आपको बताना है। जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा, इस प्रश्न का। क्या बात है, आंसर आना शुरू हो गया। हर्षण भाई, सबसे पहले मैंने किसका नाम लिया? मैंने नाम लिया खेल कूद। अनुपाते फिर मैंने क्या नाम लिया? कला शिल्प। मैंने नाम लिया कला और शिल्प, कला व शिल्प। खेल कूद का जो डिग्री है वो कितना है भैया? 120 डिग्री है। अनुपाते कला शिल्प की जो डिग्री है वो कितना है? 90 डिग्री है। अरे चार से काटो ना, 30 से काटो, 30 से ऊपर 120, 30 दिए यहाँ 90, तो 4:3 वाले यहाँ पर बधाई के पात्र हैं। 4:3 वाले यहाँ पर बधाई के पात्र हैं, उनका उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो 3:4 वाले हैं वो डाउट में हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा? 4:3 होगा। 4:3 बिल्कुल सही उत्तर है, 3:4 वालों का गलत है, ठीक है। ध्यान से दीजिए और देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसानी से और जल्दी बताएंगे। अगला प्रश्न है कि कुल खर्च का कितना प्रतिशत, कुल खर्चे की बात कर रहा है, कुल खर्च का कितना प्रतिशत, कुल खर्च का कितना प्रतिशत पुस्तकालय पर खर्च किया गया। बढ़िया प्रश्न है, पुस्तकालय पर खर्च किया गया। जल्दी से बताएं कुल खर्च का कितना प्रतिशत पुस्तकालय पर खर्च किया गया है। कुल खर्च को निकालिए, उसके बाद पुस्तकालय पर कितना खर्च किया गया है आपको यहाँ पर ये फाइंड करना है। जल्दी से बताइए, आप लोगों का आंसर मैं यहाँ पर फाइंड कर रहा हूँ। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा।
अभी तक किसी का भी आंसर मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। ध्यान दो इधर, पुस्तकालय पर खर्च भैया कुल खर्चा कितना, ये गोला कितना 360 डिग्री, ये गोला 360 डिग्री, ठीक है। पुस्तकालय कितना, पुस्तकालय आपका कितना है भैया, पुस्तकालय ढूंढो कहाँ है, कहाँ ये है, पुस्तकालय आपका 60 डिग्री। तो आपको कुछ नहीं करना, 60/360 × 100 करना है, ठीक है भैया। ये कितना प्रतिशत है इसका, यही निकालना है आपको। तो 60/360 × 100 करना है, 0 से 0, 6 × 6 = 36, तो ये 100 × 100 / 6 50/3 मतलब 16.66% होगा। तो 16.66% जितने भी लोगों ने आंसर किया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 16 सही 2/3 भी आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा, 16.66 भी उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही माना जाएगा। तो जितने भी लोगों का उत्तर यहाँ पर 16.66 या 16 सही 2/3 आया है उनका उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो जरा आप लोग बताएं, यहाँ पर देखिए मैंने तीन टाइप के प्रश्न देख लिए आप लोगों ने, आपने ग्राफ वाले प्रश्न भी देख लिए, आपने तालिका वाले प्रश्न भी देख लिए, ठीक है। आपको मैंने यहाँ पर अंश डिग्री वाले प्रश्न को भी दिखा दिया एक सीमित समय के अंदर, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में भी आया होगा। 5 कॉलेजों में विगत वर्षों में आप लोगों का जो एनर्जी है वो देख करके समझ लीजिए, दिन भर क्लास लेने के बाद मैं इस वीडियोस को बना रहा हूँ और आप लोगों की एनर्जी को देखते हुए भी मेरे अंदर ऊर्जा जो है आ रही है और मैं आप लोगों को आगे की ओर भी ले चलने में आप लोगों की शक्ति के द्वारा ही जो है निर्भर हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के जो एनर्जी है वो देख करके मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि विगत वर्षों में 5 कॉलेजों में दाखिला, विगत वर्षों में 5 कॉलेजों में दाखिला प्राप्त विद्यार्थियों की संख्या, प्राप्त विद्यार्थियों की संख्या यहां पर दी गई है, ठीक है। चलिए मैं टेबल थोड़ा सा बना लेता हूं जल्दी जल्दी, कॉलेज ऑब्लिक वर्ष, दो हज़ार आठ तक की बात करनी है, 4 से लेकर 8 तक की, ठीक है। और कितने कॉलेज हैं, 5 कॉलेज हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है, ये आपके कॉलेज हैं। चार सौ दस, 430, 390 डी की बात कर लेते हैं, 480, 500, 520, 470, 530। चलिए ई की ओर चलते हैं, 520, 540, 460, 480, 530। देखिए ये आपका डाटा दिया गया है,
अलग अलग कॉलेजों का, ठीक है। विगत वर्षों में, ये विगत वर्ष हैं, 5 कॉलेज हैं ये, दाखिला प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या यहाँ पर आपको दी गई है और इस आधार पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आप लोग फिर से तैयार हुए हैं ऐसे प्रश्नों को करने के लिए। आप लोगों ने ग्राफ के प्रश्न देख लिए हैं, आपने डिग्री वाले प्रश्न देख लिए हैं, अब आप यहाँ पर तालिका वाले प्रश्नों को करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने रखा जा रहा है, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने रखा जा रहा है। चलिए, पहला प्रश्न क्या है कि वर्ष 2007 में बी 2007 में कॉलेज बी में दाखिला प्राप्त विद्यार्थियों में से एक प्रतियोगी परीक्षा में बैठें तथा उसमें 75% पास हुए, पास परीक्षार्थियों की संख्या। प्रश्न को फिर से मैं थोड़ा सा वेरीफाई कर रहा हूं। देखिए, यहां पर दिया गया है कि 2007 में कॉलेज बी में, कॉलेज बी ये है, 2007 आपका ये है, तो 2007 में कॉलेज बी में जितने भी लोगों ने दाखिला लिया था उसमें से 80% लोगों ने एक प्रतियोगी परीक्षा दी और 75% लोग उसमें पास हुए। तो आपको बताना है कि उस प्रतियोगी परीक्षा में कुल कितने परीक्षार्थी पास हुए, जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। आइए देखते हैं, देखिए जरा भैया, 2007 की बात चल रही है, 2007 में 360, तो 360 का 80% ही तो परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो पहले पता तो करें परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या। E00 से ई दोनों जीरो कट गया, 8 6 48, 8 3 24 4 28, मतलब 288 विद्यार्थी परीक्षा में भाग ले रहे हैं, परीक्षा में बैठ रहे हैं, ठीक है। इसमें पास पूछ रहा है, 288 का 75%, 25 75 25 चौका 100, ठीक है, 4 7 28 और 4 2 8, ठीक है, 4 7 28 और 4 2 8, तो 72 × 3, 3 2 6 3 7 21, तो 216 जितने लोगों ने उत्तर दिया है वो सभी स्टूडेंट बधाई के पात्र हैं, 216 बिल्कुल सही है, ठीक है, 216 यहां पर बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। सभी कॉलेजों में से मिलकर कुल 40% विद्यार्थियों ने एक कंप्यूटर पाठ्यक्रम में दाखिला लिया, बढ़िया प्रश्न है, दाखिला लिया, बताइए कुल कितने विद्यार्थी ने दाखिला लिया। ध्यान से देखिए, वर्ष 2005 में सभी कॉलेज, 2005 में सभी कॉलेज, पांचों कॉलेज, ठीक है, में से मिलकर कुल 40% विद्यार्थियों ने कंप्यूटर के पाठ्यक्रम में दाखिला लिया है, तो आपको बताना है कि कंप्यूटर में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है, जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा। आंसर आना शुरू हो गया है, चलिए आइए देख लेते हैं जरा सा।
भैया 2005 की बात करिए, 480, 350, 380, 540, 1, 2, 3, 4, 5 साल है, 0, 8, 4, 12, 12, 8, 20, 20, 5, 25 कैरी 2 हो जाएगा, 5, 2, 7, 5, 12, 3, 18, 18, 3, 21, 4, 25 ठीक है, 25 मतलब 2550। तो 2550 ये कुल विद्यार्थी 2005 में दाखिला लेते हैं और कंप्यूटर में लेते हैं इसका 40%, तो 2550 का 40% आपको यहाँ पर निकालना है। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 4 × 20, 4 × 20, 2, 22 ठीक है, और 4 × 8 ठीक है, और 8 × 2, 10 4 × 20, 4 × 20, 2, 22 और 4 × 8, 8 × 2, 10 तो 1020 वर्ष 2005, 2005 की संख्या यही है ना, 480, 350, 380, 500 और 540, मतलब कुल विद्यार्थी 540, सभी कॉलेजों में से मिलकर कुल 40% विद्यार्थियों ने कंप्यूटर में दाखिला लिया। तो कुल कितने विद्यार्थियों ने दाखिला लिया, तो 1020 यहाँ पर जितने भी लोगों ने आंसर किया है उनका उत्तर यहाँ पर सही होना चाहिए। अच्छा 2250 होगा, 8, 4, 12, 12, 5, 17, 17, 4, 21, 4, 25 ठीक है, 5, 2, 7, 5, 12, 3, 15, 15, 18, 4, 22 बिल्कुल बहुत बढ़िया पकड़ा आप लोगों ने, यहाँ पर कैलकुलेशन मैंने गलत कर दिया था, 2250 का निकालना है ठीक है। तो 0, 4, 5, 20, 4 × 8, 8, 2, 10 और 4 × 8, 1, 9 तो 900 यहाँ पर बिल्कुल सही है ठीक है, 900 यहाँ पर बिल्कुल सही है जितने भी लोगों ने आंसर किया है, तो 900 इज अ करेक्ट आंसर। चलिए 900 यहां पर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप देखिए यहां पर कैलकुलेशन में अगर दिक्कत होती है तो आंसर आप गलत जा सकते हैं ठीक है, लेकिन ऐसे जो है कंडीशन में आपको ऑप्शन सहारा देता है, आप अपने जो है क्वेश्चन को फिर से एक बार कमबैक कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ये लास्ट प्रश्न है, इसके बाद आज की क्लास को खत्म करेंगे, फिर कल से हम लोग महामैराथन की क्लास में फिर से जुड़ेंगे। प्रश्न में कह रहा है कि 2007 और 2008 में सभी कॉलेजों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या के बीच अनुपात बताना है ठीक है। 2007 और 2008 में सभी कॉलेजों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों के औसत संख्या के बीच क्या अनुपात होगा, यहां पर आपको ये उत्तर बताना है। वर्ष 2007 और 2008 में सभी कॉलेजों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या के बीच का अनुपात यहां पर आपको बताना है। जल्दी से बताएं इस प्रश्न का उत्तर यहां पर क्या होने वाला है। जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा इसका। भैया 2007 का निकालो, 2007 का निकाल करके 5 से भाग दो, 5 साल है, इसका औसत निकल आएगा। 2008 का निकालो, 2008 का सब योग कर लो, योग करके 5 से भाग दो क्योंकि 5 साल है, इसका भी औसत निकल आएगा। दोनों संख्याओं का अनुपात निकाल दीजिए, उत्तर आ जाएगा। 5 से भाग दो क्योंकि 5 साल है, इसका भी औसत निकल आएगा। दोनों संख्याओं का अनुपात निकाल दीजिए, उत्तर आ जाएगा। चलिए आइए देख लेते हैं, 2007 का डाटा पहले निकालते हैं, 2007 का डाटा निकालते हैं। 2007 का डाटा क्या है भैया, 460 है ठीक है, 360 है, 430 है, 470 है और 480 है। 0, 8, 7, 15, 15, 3, 18, 6, 24, 36 ठीक है, और
हासिल तीन, चार तीन सात, चार ग्यारह, चार पंद्रह, तीन अठारह, चार बाईस, ठीक है 2200 हो जाएगा दो। और 2200 को क्यों ना हम पहले 5 से भाग कर लें, क्योंकि हमें ये चीज़ें करनी ही है। 2200 में 5 से भाग करेंगे, 5 चौका 20 हो जाएगा, फिर 5 चौका 20 हो जाएगा और ये 440 मिलेगा। चलिए 2008 का डाटा ले लेते हैं, 2008 में जब डाटा लेंगे तो 470, 340, 390, 530, ठीक है, और 530, 0, 3, 3, 6, 9, 6, 15, 4, 19, 19, 7 आपका 26 हो जाएगा और कैरी 2, 5, 2, 7, 7, 5, 12, 3, 15, 3, 18, 18, 4, 22, मतलब 2260 हो जाएगा। तो 2260 को आप फिर 5 से भाग दोगे, 5 चौका 20 हो जाएगा और उसके बाद ये 2 तो 5 बचे 25 हो जाएगा, 5 दुना 10, 452 हो जाएगा। तो 440 अनुपाते 452, 2 से काटिए 220 हो जाएगा और ये 2 दुना 4, 2 दुना 4, 2 छंग 12 हो जाएगा, ये 110 अनुपाते 113, मतलब 110 अनुपाते 113 जितने भी लोगों ने आंसर यहाँ पर दिया है उनका उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही है और वो बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। मैं सबके कमेंट पढ़ना चाहूँगा। आकाश गौड़ ने सबसे पहले आंसर दिया था, हर्षित शुक्ला का भी उत्तर है, शिवम त्रिपाठी का भी उत्तर है, हिमांशु सरोज ने भी यही उत्तर दिया है, विकास गुप्ता ने भी यही उत्तर दिया है, रागिनी यादव ने भी यही उत्तर दिया है, लेकिन राहुल गुप्ता ने आंसर में थोड़ा सा बदलाव किया है। राहुल आपको यहाँ पर देखने की आवश्यकता थी 2007 का औसत निकालने के लिए सभी संख्याओं का योग, बटे में 5 साल है तो 5 से भाग देना पड़ेगा। 2008 में भी आपको यही काम करना था, दोनों डाटाओं का अनुपात आप निकाल लेते तो आपका 110 अनुपात 113 आ जाता, जो कि उत्तर बिल्कुल यहाँ पर सही होता। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू।